दिल्ली की केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल अनिल बैजल एक बार फिर से आमने सामने हैं। एलजी अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार की ओर से शालीमार बाग स्थित मैक्स हॉस्पिटल के लाइसेंस को रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी। केजरीवाल सरकार ने एक जीवित बच्चे को मृत घोषित कर उसके परिजनों के सौंपने के मामले में कार्रवाई करते हुए अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया था, जिसके बाद दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए इसको वापस लेने के लिए कहा। मेडिकल एसोसिएशन की मांग को दिल्ली सरकार ने नहीं माना, जिसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने प्राइवेट अस्पतालों और डॉक्टर्स के साथ मरीजों के रिश्ते को अच्छा और मजबूत करने के इरादे से कुछ सुझाव दिए। वहीं दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल कर सीएम अरविंद केजरीवाल ने खूब वाहवाही बटोरी थी। मैक्स हॉस्पिटल ने केजरीवाल सरकार के इस आदेश को एलजी अनिल बैजल के सामने चुनौती दी थी। अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के इस फैसले पर स्टे लगा दिया। एलजी अनिल बैजल के इस आदेश के बाद मैक्स हॉस्पिटल में मरीजों को देखना दोबारा शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।